दोस्तों, एजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट 8। 1 to 7 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है दोस्तों, ये पार्ट 8 है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करिए। नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है, ये सही है। गाँव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए उपयुक्त है, रीजन भी सही है इसका। यद्यपि 1991 में बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई है, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी चालू है, इसका मुख्य कारण क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य तक सीमित है और कृषि में केंद्रित योजना आवश्यक है। निम्न कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा सही है? 200 करोड़ कुल धनराशि कॉर्पस का जल विभाजन फंड स्थापित किया गया है। चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक का विकास कार्य करने का उद्देश्य है। कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। 1 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, फिर स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, फिर एक प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। मानव विकास मंत्रालय द्वारा जिस नई सब्सिडी सहित केंद्रीय ऋण योजना को अंतिम रूप दिया गया है, उसके अनुसार माता पिता की वार्षिक आय की सीमा ऋण स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण सब्सिडी पाने हेतु क्या निर्धारित की गई है? 4.5 लाख से कम। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रकाशन विभाग द्वारा होता है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बी एस मिन्हास हैं। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? नीरज कुमार गुप्ता समिति। निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? मसाला ब्रांड। भारत में राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी? 5.6%। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपयोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? प्रोफेसर सी रंग राजन समिति ने। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है, ये सही है। NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ की है, दोनों सही है। भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति कराना और लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति कराना। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने का सर्वाधिक संभाव्यता है? ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह RBI की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है।
देख लेते हैं इसको। सरकार द्वारा मौद्रिक नीति, नीतिगत दरों, रेपो, रिवर्स रेपो आदि का निर्माण एवं समीक्षा के लिए गठित 6 सदस्यीय समिति है, जिसे वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 ZB के तहत वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया है। इस समिति में रिजर्व बैंक के गवर्नर सहित 3 प्रतिनिधियों द्वारा सरकार द्वारा नामित 3 प्रतिनिधियों का प्रावधान रखा गया है। इस 6 सदस्यीय समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के अलावा उप गवर्नर डॉक्टर विरल वी आचार्य और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्र जबकि हैं, जबकि इस समिति में प्रोफेसर चेतन घाटे, प्रोफेसर पामी दुआ एवं प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में सदस्य मनोनीत हैं। समिति के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा तथा समिति की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित होती है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया है? नया पैसा कब पैसा हो गया है? 1 जून 1964 से। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई 1957 में। कभी-कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बिटकॉइंस के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइंस के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ से पहचान जाने बिना की जा सकती है। बिटकॉइंस एक आभासी मुद्रा यानी वर्चुअल करेंसी है। इसका विकास सतोशी नाकामोतो नामक प्रोग्रामर द्वारा किया गया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। यह केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से परे होता है। यह एक पीयर टू पीयर प्रणाली है और इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा बिना किसी मध्यस्थ एवं बिना किसी पहचान के उजागर किए लेन देन किया जा सकता है। निम्न पर विचार करिए। इसका स्थापना वर्ष क्या है? भारतीय स्टेट बैंक 1955 में स्थापित किया गया था। अग्रणी विकास बैंक 1969 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में और नाबार्ड 1982 में। निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन में शामिल है? जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा यानी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। निम्नलिखित में से किसके युग से सुलभ मुद्रा बनती है? जनता के पास करेंसी से, बैंकों की मांग जमा राशि से और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि से। निम्न तरल परिसंपत्तियों पर विचार करिए, इनको घटते हुए क्रम में है। पहले करेंसी, फिर बैंकों के पास मांग जमा, फिर बैंकों के पास बचत जमा, फिर बैंकों के पास सावधि जमा। भारत में मुद्रा गुणक का परिभाषित किया जाता है। मुद्रा गुणक इक्वल टू बृहद मुद्रा अपन आरक्षित मुद्रा। भारत में मुद्रा गुणक को बृहत या स्थूल मुद्रा M3 और आरक्षित मुद्रा को M0 के अनुपात के रूप में मापते हैं। अतः मुद्रा का गुणक K है तो M3 अपन M0 या M3 अपन R3 विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। रिजर्व बैंक को 10,000 तक करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 का करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में रिजर्व बैंक 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के एवं 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के करेंसी नोट छापने का कार्य कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने
मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए, 115 करोड़ रुपए का। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है, न्यूनतम कोष मुद्रा प्रणाली पर। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। भारत में मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में टकसाल पूर्व में ही स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त 1988 में नोएडा में एक और टकसाल स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है? वैध मुद्रा को इसमें करता है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, उचित कीमतें। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित करिए, जो सत्य है उसको देख लेते हैं। मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं को खुदरा कीमतों को भी ध्यान रखना पड़ता है। ये तीनों सही हैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 में। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसके अनुपलब्धता से संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, हार्ड करेंसी। काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया हो। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? SDR। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तु और सेवाओं की कितनी मांग है उसे निर्धारित होता है। संबंधित देश की सरकार को स्थिरता से निर्धारित होता है। निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? सेशेल्स। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बहुत बहुत थाईलैंड की मुद्रा है। चीन की मुद्रा युआन है, युआन, और एन है जापान की। युआन चीन की मुद्रा है। दिनार या न्यू दिनार यूएई की मुद्रा है। रिंगिट मलेशिया का है। बहत थाईलैंड का है। रुपया इंडोनेशिया का है और वान दक्षिण कोरिया का है। मैक्सिको में पेसो चलता है। ऑस्ट्रिया में शिलिंग चलता है। जापान में एन चलता है और सऊदी अरब में रियाल चलता है। निम्नलिखित में से भारत की विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? GDP के विकास दर में वृद्धि करना, जबकि इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, समव्यवहार के अंगीय तरीकों से अधिक उपयोग और कर आधार को बढ़ावा देना। मुद्रास्फीति के कारण है वस्तुओं के मूल्य मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए ±2% के सहनीय स्तर के साथ 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया? भारत सरकार। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है?
खाद्य पूर्ति बढ़ गई है। नहीं, ये गलत है। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ गई हैं। मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे बढ़ गई हैं। निम्न में से मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है? ऋणी सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों का जीवन निर्यात लागत सूचकांक, तीनों पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित नाम माप है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है, अवस्फीति। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोग्य कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है, यानी बेसिक इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह बेसिक इफेक्ट क्या है? यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने का संभावना है? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विअंकी दर का नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है? बजट घाटे और अनुत्पाद व्यय को नियंत्रण में रखना। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि रिवर्स रेपो दर कम कर दी गई जाती है और बैंक दर कम कर दी जाती है तो। कुल मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारी की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका उपयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक से। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करिए, इनमें से कौन सा सही है? शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसमें से कौन सा सही है? नई WPI श्रृंखला में बुनियादी वस्तुओं का भारित महत्व 10% अंकों तक कम हो गया है। बिजली का भारित महत्व नई WPI श्रृंखला में बढ़ गया है। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद। नई WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 14 सितंबर 2010 को। भारत सरकार द्वारा दी गई थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला है 2011-12 के आधार पर मूल्यों के संदर्भ में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा सही है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI IW की तुलना में WPI खाद्य की वस्तुओं को कम महत्व देती है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स श्रम ब्यूरो। वर्तमान मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष 1960 लगभग 330 है। इसका अर्थ है कि कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्यों का भारित औसत 3.3 गुना बढ़ गया है। उत्पाद कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। समय पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है, सही है। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है, रीजन भी सही है। निम्नांकित में से कौन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ब्याज दर को कम करना। ये तो मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की रशनिंग मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, मुद्रा स्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक भारत में मुद्रा स्फीति दर ऋणात्मक हो गई थी, सही है। वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य $140 प्रति बैरल से घटकर $30 प्रति बैरल रह गया था, रीजन भी सही है। भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, मनी सर्कुलेशन। मार्च 2019 में भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी, 1544। सिडबी की स्थापना की गई है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं, 18। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। निम्नांकित में से कौन एक निजी बैंक है, पंजाब बैंक। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ICICI बैंक। निम्न भारतीय बैंकों में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ICICI बैंक। निम्नलिखित में से कौन भारत के में व्यापारी बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश है, सावधिक जमाएं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की थी, ICICI बैंक ने। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है, भारतीय स्टेट बैंक ने। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, SBI द्वारा। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।